मतलब उत्तराखंड की गाड़ी खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर की कोई अदर स्टेट की गाड़ी खड़ी है तो उन्हें भगा देते हैं। तो ऐसा यहाँ का हाल है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे चिंतवली मंदिर जाने से। आ रहा हूँ राजदूत लेके। तो अगर देखा जाए तो काफी लंबा समय बीत गया है मुझे राजदूत चलाए, इसलिए हमने सोचा मैंने आज गाड़ी को छोड़ते हैं, राजदूत से जाते हैं मंदिर। राजदूत को तो बात होगी नहीं क्योंकि बाइक की आवाज इतनी तेज है ना, तो पहले मंदिर पहुंच लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। मंदिर काफी आनंद आ रहा है, आप लोगों को तो पता नहीं पर मैं काफी महसूस कर रहा हूँ ठंडक। देखो हवा चल रही है ना, इसलिए मैं तो ठंडक महसूस कर रहा हूँ। पर खैर पहुंच गए अपने बाबा के पास भाई, अपने को मिला बूंदी का प्रसाद। आनंद भाई, सिद्धवली आने के बाद जो सुख की प्राप्ति होती है वो तुम्हें यहाँ आके ही पता लगेगा। मतलब इतना अच्छा लगता है यहाँ पहुँचने के बाद, मन को शांति मिलती है एक नंबर। तो भाई अगर कोटद्वार आ रहे तो सिद्धवली बाबा भी जरूर पहुँचो, काफ़ी मान्यता है सिद्धवली। तो भाई मैं करनो छो प्रस्थान, मतलब मैं जा रहा हूँ घर, मंदिर से दर्शन भी हो गए, पूजा भी कर ली अपनी। पहले ना ये रास्ता हुआ करता था यहाँ से जाने का, पहले मंदिर जाने का ना वहीं गाड़ी खड़ी जाती थी नीचे और फिर यहाँ से मंदिर जाते थे, यहाँ से सीढ़ी सीधा ऊपर, काफी बढ़िया था यहाँ पे। टाइम के साथ सब चीज चेंज होती है तो रास्ते भी चेंज हो गए। सो गाइस मैं जा रहा हूँ अब इस टाइम काम से, मतलब मैं थोड़ा सा काम है मेरे को तो वो करना है सिद्धवली से आने के बाद। और अब मैं जा रहा हूँ जरा हमारे एक मित्र हैं, मित्र क्या मतलब भाई है हमारे पंडित जी के लड़के नीरज तिवारी जी, जो उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो चुकी है और वो जरा सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे को परसों पता लगी थी। तो मैं आज जरा जा रहा हूँ ऐसी एक बार देखने की मैंने भाई की तबीयत ठीक नहीं है, है ना। और जा रहा हूँ मैं इस टाइम गाड़ी से क्योंकि हमारा जो राजदूत है, हमारी जो राजदूत है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है। खराब इन द सेंस कि मतलब मैं सुबह सिद्धवली जा रहा था तो उसमें मतलब जो किक है वो फ्री हो गई है, मतलब फ्री ऐसे हो गई है कि जैसी मैं किक नीचे मार रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए तो एकदम से नीचे चली जा रही है। तो इसका मतलब कि उसकी किक भी खराब हो गई है और जो शाफ्ट होती है जिसमें मतलब खाने से बने होते हैं तो वो चीज भी खराब हो चुकी है और ये होगी हमारी कल ठीक, तो इसलिए मेरे को गाड़ी से जाना पड़ेगा। और पहुंचते एक आध मार्केट में भी काम है, मुझे थोड़ा सा अपने लिए भी सामान लेना है। और ये कि सिद्धबली महोत्सव शुरू होने वाला है 1, 2, 3 दिसंबर को, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन होगा, काफी भीड़ होती है आप सभी को पता है, तो इसलिए तैयारी चल रही है उसकी भी। भाई फाटक लग चुका है यहाँ पे, टाइम कितना हो रहा है 10:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और फाटक लगा हुआ है। तो अब आएगी नजीबाद एक्सप्रेस, इधर से आती, इधर से आएगी कोटद्वार से और न्यू इधर कर उधर निकल जाएगी। ऊपर को कर दे रही ना, चलो भाई हो गए
गाइस अपना काम हो निपट गया है कोटद्वार का मतलब मार्केट का। पर ये देखो यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है उत्तराखंड नंबर, तो इससे तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं कही। मेरी यूपी मेरी हरियाणा नंबर खड़ी थी तो हमें तो भगा दिया यहाँ से कि यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, पार्किंग की जगह नहीं है। मतलब उत्तराखंड की गाड़ी खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर की कोई अदर स्टेट की गाड़ी खड़ी है तो उन्हें भगा देते हैं। तो ऐसा यहाँ का हाल है और इतना बेकार हाल है कि कहीं भी पुलिस वाले खड़े होकर कहीं भी खड़े होकर चालान काट देते हैं। ये देखो सारे पुलिस वाले खड़े हैं, ये तो खैर चलो जगह है ही काटने की। मतलब कोटद्वार में हर रास्ते पे मतलब जहां ना भी खड़े होना वहां भी खड़े होकर चालान काट रहे हैं। इस टाइम ये चल रहा है यहाँ का सिस्टम प्रशासन उत्तराखंड का, और वैसे उत्तराखंड का प्रशासन मित्रता वाला प्रशासन है, पर कहीं भी खड़े होकर चालान काट देते हैं, कोई परेशानी इनको होती नहीं है। तो ये इस टाइम का यहाँ का हाल चल रहा है। बात है ऐसी घर जैसी कि अब मैं घर ही पहुंच रहा हूँ, और घर पहुंच के आज काफी दिन हो गए मतलब पबजी नहीं खेला है, तो आज पबजी खेलेंगे और मजे से खेलेंगे पबजी। कोई है नहीं साथ का वैसे खेलने वाला, पर अकेले ही खेल लेंगे, पर खेलेंगे आज पबजी। दिखाते हैं आपको अपना रस गेम प्ले कैसे केड़ा तरीके से कैसे खेला जाता है। ओके हो सकेगा शाम को आज जाना पड़ेगा सिद्धवली आरती में, क्योंकि भाई काफी टाइम हो गया है तो आरती में भी ना गए, आरती में भी जाना है। और दिल्ली से हमारे भैया आए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि बैडमिंटन खेलेंगे आज, और क्योंकि हमारे यहाँ बैडमिंटन का कोर्ट भी बन चुका है। मतलब काफी चीजें ऐसी हैं कि जो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं है इस लंबे समय के अंतराल जो व्लॉगिंग नहीं करी थी हमने, तो उस बीच में काफी कुछ हो चुका है जो कि तुम्हें नहीं दिखाया, तो वो भी काफी चीजें दिखाऊंगा। एक थोड़ा बहुत तो नमूना दिखाई दिया कि जैसे गेट वेट बन गए हैं, है ना, तो रात को भी काफी बढ़िया माहौल हो जाता है, लाइटिंग वाइटिंग लग गई है क्योंकि पर दिवाली भी आ रही ना उस चक्कर में लाइटिंग वाइटिंग भी हो रही है, और मतलब काफी कुछ है। जैसे वन्य हमारा प्लॉटिंग वाला एरिया तो वहां पे भी काफी कुछ हो रहा है। तो खैर अभी तुम्हें काफी दिखाया नहीं है तो वो भी दिखाऊंगा सब एक एक करके, क्योंकि अब भाई व्लॉग शुरू करे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं पहुंच रहा हूँ घर, और घर पहुंच के खाना पीना करने के बाद खेलेंगे BGIM। ओके क्या समय आ गया, समय इन द सेंस कि जब मैं आया था तब भी फाटक बंद था और अब जा रहा हूं तब भी फाटक बंद है। मतलब ऐसा भी समय देखना पड़ता है कि आ रहे हो तो फाटक बंद, जा रहे हो तो फाटक बंद। घर पहुंच गए हैं और घर पहुंच के पता लगा है कि हमारे जो ताऊजी की जोंगा है निशान बंटन वो हो गई खराब, मतलब उसका सेल्फ जो है वो खराब हो गया है और स्टार्ट नहीं हो रही है, ये वाली है ना, तो ये खराब होगी, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मिस्त्री आ रहा है और वो उसका सेल्फ खोल के लेके जाएगा, और जब पता लगेगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है ना, तो वो भी आता ही होगा और ले गया और निकल जाए, फिर जब स्टार्ट होगी जब बताएंगे। तो ये जो छोटी मोटी किस्से हैं ये तो मशीन में चलते रहें, जब इंसान भी बीमार हो सकता तो गाड़ी नहीं हो सकती क्या बीमार, है ना, तो कंटिन्यू करेंगे और फिर शाम को जाएंगे हम सिद्धवली आरती में। बड़ी लग रही है देखने में, हाँ भाई चल के चेला ठीक है, बस ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी को तो नू करा ठीक है। अरे बेटा यू बस अभी तो तेरे समझ में ही नहीं आएगी है क्या चीज। वो ही तो कह रहा हूँ खोल ले। अरे यू सारी बाहर की अमेरिका, सब चीज बड़ी बड़ी है इसकी, कुछ भी छोटी नहीं है। तो अब टाइम आ गया है सिद्धवली आरती में जाने का, और मेरे साथ मिलेगा एक हमारा मित्र लकी सिंह राजपूत, उससे बातचीत करेंगे सिद्धवली तक। ठीक है, तो फटाफट से पहुंचता हूँ, वो मिलेगा मुझे कौड़िया में, और हमारे ताऊ जी का जो जोंगा है वो हो गया एकदम रेडी टू ड्राइव, ठीक हो गया है, उसमें थोड़ी सी गोली वोली की इशू था वो ठीक हो गया है। तो फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं अपने मित्र से। हे देखो ये आ रहे साहब, कितने खुश हैं। आओ जी महाराज, जय श्री राम। अरे वाओ वंडरफुल, ये व्यू देखने के लिए तो कितना तरस रहे थे, घने टाइम हो गया आए हुए, बहुत टाइम हो गया यार, शाम की आरती देख के तो घना ही टाइम हो गया। जय श्री राम अंकल जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आखिरकार आरती में पहुंच ही गए।
लगभग दो दो ढाई महीने हो गए मुझे आए हुए आरती में। ओके सरकार धन्यवाद बहुत बहुत। ये बताओ ब्लॉग कब आ रहा तुम्हारा? जल्दी आएगा, जल्दी कब आएगा? जल्दी कब आएगी? कितने साल गुजर गए? गाड़ी कितने साल हो गए? इतने साल निकाल देते भाई, ले जाओ मिठाई, मेरी थोड़ी मम्मी की है, कल करवा चौथ है ना। आप ही बनाओ। अरे हमारा रहा मना, ठीक है भाई ओके। चलो भाई, हमने लकिंग सिंह राजपूत को दिया छोड़ और अब हम निकल रहे हैं अपने घर को, ठीक है। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, काफी आनंद आया, काफी टाइम बाद सिद्धबली की आरती में गया, मतलब इतना सुकून मिला ना कि क्या बताऊं। अब वो तो तुम अगर पता होगा तो तुम खुद अपने आप पहचान लोगे, देख लोगे, समझ लोगे कि कितना सुकून मिलता है आरती में आने के बाद, चाहे वो कहीं की हो। मैं स्पेशली सिद्धबली की नहीं बोलूंगा, चाहे कहीं की हो, है ना। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, तो अब तक ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।